गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऑप्टिक्स को एक बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इमेज प्लेन फाइंड आउट करवाया था, उसके लिए कंडीशन फाइंड आउट की थी हम लोगों ने। सिस्टम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करते हुए, और साथ में हमने डी वन डी टू का यूज़ किया था। डी वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, डी टू आपकी इमेज डिस्टेंस थी। सो आई होप आप लोगों ने पीछे का वीडियो देखा होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर वो समझ में आ गया है तो डेफिनेटली अब हम एक पोजीशन में हैं कि हम थोड़ा सा आगे चल सकें। देखो बेटा, क्लास 12 तक जब आप लेंसेज की बात करते थे तो एक अजम्पशन थी आप लोगों के सिलेबस में, हर जगह लिखा होता था कि लेंसेज आर थिन लेंसेज। ओके, एंड देन आप लोगों ने लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला क्लास 12 में पढ़ा है। थिन लेंसेज, आज मैं पहले थिक लेंस की बात कर रहा हूँ, यानी हम मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। और जो मैट्रिक्स जब डिजाइन करेंगे बेटा, तो दैट मैट्रिक्स वी विल डिजाइन फॉर थिक लेंस और सिस्टम मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं ना, वो हम एक बार ड्राइव करके और धीरे धीरे हम लेंस मेकर फार्मूले की तरफ जाएंगे। यानी हम दो काम करेंगे आप आज के लेक्चर में, हम थिक लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स ड्राइव करेंगे। हम करेंगे आज के लेक्चर में सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिन लेंस, थिक लेंस रादर। थिन तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 12 में भी, और इसमें भी हम थिन को ले आएंगे। सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक लेंस एंड डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फार्मूला जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, देखो बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक थिक लेंस है, ठीक है, ये कोई थिक लेंस है बेटा। ये प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस ऑफ द सिस्टम जिसको आप कहते हैं, नो डाउट ये पोल पी वन हो जाएगा इस सरफेस के लिए, इसके लिए पोल पी टू हो जाएगा। एंड आई एम अज्यूमिंग कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टी, यानी दिस टी विल बी नोन एज थिकनेस ऑफ द लेंस कहलाएगी। ठीक है, हमने मान लिया था कि दिस इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड इट इज कैप्ड इन एयर, इट इज सराउंडेड बाई एयर इन बोथ साइड्स। ओके, इस सरफेस के लिए अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे तो आर वन आएगी बेटा, एंड ये इधर होगी जैसे पूरा बनाएंगे तो आप, और आई आर टू होगी, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव हो जाएगी मेरे पास साइन कन्वेंशन की, और ये नेगेटिव। समझ रहे हैं, जैसे मान लो मेरी ऑब्जेक्ट कहीं इधर कहीं रखूंगा मैं, तो लाइट रेज मेरी किस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से लाइट रेज जाएंगी। तो इसका सेंट आप बनाओ ना, ये वाला अगर मैं पूरा बनाऊंगा बेटा इस तरीके से, मैं यूँ बस इसको देख लें बना नहीं रहा हूँ, ये सर्कल इधर आएगा तो इसका सेंटर भी इधर आएगा, तो इंसिडेंट रेज के पैरेलल जो होता है वो प्लस का, और इसके लिए उल्टा चलना पड़ेगा। इसको पूरा करोगे तो आप देखो ये सर्कल बनेगा, स्फीयर, थ्री डायमेंशन में सोचोगे तो स्फीयर बनेगा। तो इसका सेंटर इधर आएगा, तो आप इससे इधर जाओगे ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट तो माइनस का हो जाएगा। साइन कन्वेंशन वही पुरानी साइन कन्वेंशन, कन्वेक्स लेंस में अगर आप ध्यान करें तो 12th में भी यही था, आर वन आपका पॉजिटिव होता है और आर टू नेगेटिव होता है। ठीक है, मान लीजिए यहां से मेरे पास ये कोई लाइट रे आ रही है, जब मेरे सिस्टम में एंटर कर रही है, ठीक है, तो उस वक्त मैं मान लेता हूं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको पता है ना हम कोऑर्डिनेट किसकी फॉर्म में मानते हैं, ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन और इस हाइट की टर्म्स में मापते हैं। तो लैम्बडा वन मान लिया मैंने और वाई वन मान लिया। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ रिफ्रैक्शन हुआ अपने पास से, डेविएट हुई बेटा, ठीक है, मान लीजिए क्या ऊपर इट सिस्टम को लीव कर रही है, और दिस इज लैम्बडा टू और वाई टू कोऑर्डिनेट हो गए इसके। एंड देन फाइनली मान लीजिए ये इस तरीके से जाएगी और जहां पर कौन साइड करेगी वो इमेज डिस्टेंस थी। ठीक है, अगर हमें ध्यान हो तो हमने पिछले अपने वीडियो में इस डिस्टेंस को डी वन मान रखा था और इस डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा था भाई, आपका डी टू डिस्टेंस मान रखा था। ठीक है, लेकिन अगर अब आप देखो बेटा पी से क्यू तक की बात करें ना, तो रे ने एक बार क्या क्या हुआ इसके अंदर, देखो बेटा पी के ऊपर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर पी से क्या हुआ तक ट्रांसलेशन हुआ, और फिर
क्या ऊपर दोबारा से क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ। मैं सिर्फ पी से क्या उठ की बात, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऑन पासिंग थ्रू लेंस, दैट इज फ्रॉम, कहां से बात कर रहे हो बेटा आप, पी से। और क्या हुआ, अभी मैं आई तक नहीं जा रहा हूं, मैं पी से क्या उतक की बात कर रहा हूं। रे के अंदर आपके पास क्या क्या, रे ने, द रे सफर्स, क्या क्या सफर हुआ बेटा, फिर देख लो, एक रिफ्रैक्शन हुआ यहां पर, एक रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ, तो सफर्स टू रिफ्रैक्शंस एंड वन ट्रांस। पी से क्या उतक, रिफ्रैक्शन तो कहां कहां हुए हैं, एट पी एंड क्या हुए हैं बेटा, और एक क्या वन ट्रांसलेशन, वन ट्रांसलेशन हुआ है, और दोनों ही इफेक्ट में आपको अलग अलग बेटा पी से क्या उतक का। तो मैं ट्रांसलेशन एज वेल एज रिफ्रैक्शन दोनों अच्छे से पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, पिछले वीडियोस के अंदर समझा चुका हूं बेटा कि किस तरीके से आपने लिखना है। तो अगर हम, मैंने पढ़ाया था कैसे, देखो फाइनल क्या मिला मुझे, लैम्बडा टू वाई टू। देखो मैट्रिक्स बनाने की प्रैक्टिस हमने की थी, उसी को एक बार यूज करते हैं। मैंने कहा था जब ये लिख रहे थे इसे, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहला यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। एक बार मैं फिर समझा दूंगा, एक बार देख लें आप, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स एट क्यू हो, जब आपने यहां से शुरू किया आउटपुट से, तो यहीं से चलना शुरू, उससे पहले क्या हो रहा है, पी से क्या हो, तो क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आएगा। तो ये क्या आएगा यहां पर, अगर मैं लिखूंगा तो इट विल बी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फ्रॉम पी टू क्या हो के लिए, ठीक है बेटा। और फिर पी पर क्या हो रहा है, फिर से देखो पी पर हमारे पास फिर से क्या हो रहा है आपका, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, तो फिर से रिफ्रैक्शन एट क्यू हो जाएगा, और कहां से चले थे हम, लैम्बडा वन बाई वन। अब देखो इसको प्रॉपर पढ़ने का तरीका, हम इनपुट है लैम्बडा वन वाई वन, आप कहां पर हैं, यहां पर हैं, लैम्बडा वन वाई वन पर है बेटा, ठीक है। अब इससे रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, पी पी यहां पर पी आएगा बेटा, लैम्बडा वन वाई वन है, सबसे पहले लैम्बडा वाई अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट पी, तो लैम्बडा वन वाई वन पर आपने रिफ्रैक्शन करवा दिया पी पर, फिर रिफ्रैक्शन के बाद पी से क्या उतक, ट्रांसलेशन हुआ, तो पी से क्या उतक, ट्रांसलेशन हो गया, एंड देन फिर क्या ऊपर दोबारा रिफ्रैक्शन हो गया, और ये तीनों काम होते ही आपके पास क्या मिल गए, लैम्बडा टू बाई टू मिल गया हमारे पास, ओके। सो हम अब इन सबके वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, इन सारे मैट्रिक्स, आपको रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स निकालना आता है, ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स निकालना आता है, तो मैं वन बाय वन सबकी वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन हम इनको जैसे उस दिन क्या था, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते चले जाएंगे। सो देखो बेटा हमारे पास क्या है, फिर से एक बार कर दें, ये है हमारे पास लैम्बडा टू वाई टू, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स बनाना है मुझे क्या के ऊपर, तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स देखो डायगनली, तो मैंने उस दिन भी कहा दोनों मैट्रिक्स में वन वन आता है, रिफ्रैक्शन में यहाँ जीरो आता है, और यहाँ हमने पी लिखा था, और पी जो थी वो हमने, मैं बताऊंगा अभी, माइनस पी टू लिख रहा हूँ मैं, पी टू मतलब सेकेंड पॉइंट था इसलिए पी टू लिख रहा हूँ, ओके। वेयर पी टू जो होगा बेटा, उस दिन आपने कहा था म्यू टू माइनस म्यू वन, ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, इट इज म्यू माइनस वन, क्योंकि म्यू टू माइनस म्यू वन तो वन है, अपोन सेकेंड सरफेस के लिए पावर है तो आर टू, और आर टू माइनस का है ना, तो इसलिए एक माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास पी टू की वैल्यू है लेटर ऑन, ये क्या कहलाएगी, पावर ऑफ किसकी, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज पावर ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हमने उस दिन ड्राइव किया था बेटा इसे, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर था, ठीक है, तो आर वन जो है, म्यू वन जो है वन हो गया यहां पर, क्लियर। अब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखा था हमने, मैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से याद दिलाऊं बेटा, ये वन था, यहां जीरो था, और यहां था डी बाई म्यू, डी यानी कि जहां तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है, टी है, टी हो जाएगी, और कौन से मीडियम में, इस बार म्यू वाले मीडियम में, तो ये क्या आ जाएगा, टी बाई म्यू आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो गया। फिर रिफ्रैक्शन आ गया पी पर, तो रिफ्रैक्शन में तो यही होता है वन वन, डायरेक्ट लिखने का तरीका, यहां जीरो होता है, देखो रिफ्रैक्शन में यहां जीरो था, ट्रांसलेशन में इस पोजिशन पे जीरो है, और ये फिर से यहां पर क्या हो जाएगा आपके, बोलो माइनस ऑफ पी वन हो जाएगी, ठीक है बेटा। वेयर पी वन की मैं बात करूं,
तो फिर से वही हो गया, म्यू माइनस वन तो है ही है और नीचे आर वन, लेकिन आर वन इस बार प्लस का है तो बस एडिशनल माइनस नहीं आएगा। ये किसकी हो जाएगी, इट विल बी द पावर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसका आप कहें कि जो पोल है आपने कितना माना हुआ है बेटा, पी वन में, फर्स्ट रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह लीजिएगा। ठीक है, ये दो दोनों सरफेसेस की पावर्स हैं। एंड फिर क्या आ गया बेटा हमारे पास, लैम्बडा वन, सॉरी बाई नहीं है भाई, एक मिनट। तो इस तरीके से आप लोग ना मतलब मैट्रिक्स जो हमने पढ़े हैं उन्हीं का यूज करके आज हम एक नया मैट्रिक्स डिजाइन करने वाले हैं बेटा। एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या किया भाई, लैम्बडा वन वाई वन पर था मैं, सबसे पहले लैम्बडा वन वाई वन ने क्या किया, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन में वन वन जीरो और पावर माइनस पी वन, फिर पी से क्या होता, ट्रांसलेशन हुआ, वन वन इस पोजिशन पे जीरो बेटा, और यहां पर डी अपॉन म्यू था, और डिस्टेंस यहां पर कितनी है, टी है इन दोनों के बीच की, टी बाई म्यू। एंड देन फिर से क्या ऊपर रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये वन वन बेटा और ये माइनस पी टू और जीरो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां तक की बातें। अब हम चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। लैम्बडा टू वाई टू, सिंपल जैसे हम उस दिन मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। पहले दो मैट्रिक्स की कर ले, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है भाई तीनों की एक साथ करना। अगर आपको आती है डायरेक्ट तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई तो यू कैन, बट मुझे नहीं आती, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ फिर। ओके, तो क्या हो जाएगा अगर हमारे पास करें तो, देखो बेटा इसकी इस लाइन के साथ होती ना वन जीरो की इसके साथ, तो वन 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 ही आ गया बस। अब इसकी इसके साथ करेंगे वो एलिमेंट यहाँ बन जाएगा, तो क्या आ गया माइनस पी वन आ गया, ये वन से पी वन और ये जीरो से जीरो, यहाँ से करोगे आप। ओके, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वन ही बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो टी बाई म्यू प्लस वन इंटू जीरो हटाओ पर, और अब इसकी इसके साथ तो माइनस पी वन टी बाई म्यू और प्लस क्या आ गया बेटा, वन आ गया, और दिस इज लैम्बडा वन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इस स्टेप को आगे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, मैं इरेज करूँ मतलब यहाँ तक, आपके पास तो रहेगा ही रहेगा पर मेरे पास से इरेज हो जाएगा ये, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा और अब समझाना है। ठीक है, तो मैं इसको अब आगे कैरी कर रहा हूँ बेटा, देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बना हमारे पास थोड़ा सा देखें, लैम्बडा टू बेटा वाई टू सबसे इक्वल टू, अभी मेरे पास बचा हुआ था वन वन और या क्या था रिफ्रैक्शन था क्या वाला, तो ये जीरो बेटा और यहाँ पर क्या बचा हुआ था पी टू बचा हुआ था, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, एक ट्रांसलेशन और एक रिफ्रैक्शन वाले को, तो आ गया था यहाँ वन आया था, यहाँ माइनस पी वन आ गया था बेटा, और यहाँ पर आ गया था आपका टी बाई म्यू आ गया था, और यहाँ पर देखो बेटा माइनस पी वन टी बाई म्यू और प्लस वन आया था। अभी अभी रब किया है मैंने, आप जस्ट देखना चाहें तो दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं। फर्दर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, स्कोरिंग होते हैं ये वाले आर्टिकल आप लोगों के लिए, क्योंकि तो सिंपल मैथमेटिक्स जैसा ही काम होता है इनके अंदर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन को वन वन हो गया बेटा, ये इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस इट विल बी पी टू टी बाई म्यू हो गया। ठीक है, ओके, अब इसकी इसके साथ तो ये क्या आ जाएगा, देखो बेटा माइनस पी वन वन के इसके साथ और पी टू के इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस इट इज पी वन पी टू टी बाई म्यू और क्या बचा बेटा, माइनस ऑफ पी टू बचा, ये बचा। और नीचे अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लूँ, थोड़ी स्पेस तैयार कर लूँ, और पूरा ही चला गया, ये अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। तो ये बड़ा है, अब बेटा कैसे करेंगे, इसकी लाइन की इस लाइन के साथ करोगे तो ये जीरो का वन से जीरो, वन का टी बाई म्यू, तो बेटा कितना बचेगा, टी बाई म्यू बचेगा। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करनी है जीरो के, ये फिर से जीरो, वन का साथ करेंगे तो माइनस पी वन टी बाई म्यू प्लस वन। देखें बेटा दो डिटर्मिनेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इट इज लैम्बडा वन, ओहो ये वाई वन है बेटा, म्यू नहीं है, क्लियर ये वाली बात। इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मान लीजिए ये नंबर मेरे पास आ गए मे बी थ्री, जो भी है पिछली वीडियो पे पिछली स्लाइड में जाकर आप देख सकते हैं। अब बेटा अगर बाय द वे चलो पहले हमने करते हैं, अगर मान लीजिए लेंस मेरा थिन लेंस होता
अगर लेंस थिन होता है बेटा तो उस केस में जो थिकनेस होती है वो नियरली इक्वल टू जीरो हो जाती है, यानी जहां जहां टी था वहां वहां मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जीरो पुट कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा लैम्डा टू वाई टू एंड इट इज वन, और ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस पी वन माइनस ऑफ पी टू, ठीक है, या माइनस कॉमन ले लेंगे, कहो तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस बच जाएगा, ये तो जीरो ही हो गया। ओके, और ये क्या बच गया वन। देखो बेटा थिन लेंस के लिए तो दिस बिकम्स क्वाइट सिंपल आर्टिकल। ओके, तो हमारे पास इसको हम सोल्व करें इस तरीके से। सो हम थिन लेंस बना रहे थे बेटा ये, और इसके लिए फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ये यहाँ पर, और ये क्या बच गया लैम्बडा वन वाई वन बन गया। तो ये थिन लेंस के लिए मतलब हमारा ये इनपुट थी लैम्बडा वन वाई वन, और ये एक तरीके से आउटपुट आ गई। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, सिस्टम मैट्रिक्स बन गया। और सिस्टम मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या था बेटा, ये बी था हमारे पास, ये हमने क्या लिखा था यहाँ पर इस तरीके से लिखा था ना, ये सी लिखा था बेटा हमने, और यहाँ पर हमने माइनस ए लिखा था, और यहाँ पर हमने माइनस डी लिखा था। सिस्टम मैट्रिक्स को यूँ बनाया था हमने, अगर ध्यान हो तो आप लोगों को, लैम्डा वन वाई वन। अब अगर हम कंपेयर करें बेटा यहाँ से, तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, बी की जगह वन आ गया। ए की जगह बात करें हम तो पी वन प्लस पी टू आ गया, ठीक है, और डी की जगह जीरो हो गया, और सी की जगह कितना हो गया वन हो गया। आप देख सकते हैं मैंने ए बी सी डी इस तरीके से सिस्टम मैट्रिक्स हमने डिजाइन किया, आप देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ए बी सी डी की, अगर ये वैल्यू मैं आप कहाँ पुट कर दूँ, जो हमने इमेज प्लेन के लिए कंडीशन निकाली थी, अगर मैं वहां पुट कर दूं तो देखो क्या बन जाएगा। तो मैं इसको अब क्या कर रहा हूं बेटा, कंडीशन फॉर इमेज प्लेन में पुट कर रहा हूं, एज ए कंडीशन जो थी मेरी इमेज प्लेन की, मैं बात करूं कंडीशन फॉर इमेज प्लेन, तो भाई वो अगर आप बात करें बेटा कंडीशन फॉर इमेज प्लेन, तो इट वाज बी, लास्ट वीडियो देखें ठीक है, आपको पता लग जाएगा बेटा, डी प्लस ए, इट वाज डी वन डी टू, ओके, और माइनस सी डी वन दैट वाज इक्वल टू जीरो। आप लास्ट आर्टिकल देखें जो मैंने करवाया था आपको, जिसमें मैग्निफिकेशन और साथ में क्या निकलवाई थी, इमेज प्लेन। प्लीज आप उस वीडियो को देखें कि कंडीशन कहां से ड्राइव की गई थी, कैसे ड्राइव की थी। हमने वाई वन को पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, और मैंने कहा था कोरस्पोंडिंग इमेज भी पॉइंट बनेगी, और ये कंडीशन मैंने निकाली थी उस वक्त। ओके, अब इसमें बी ए डी सी सबकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, अभी अभी मैंने अभी अभी जस्ट इससे पीछे डिलीट किया है, उसमें आप देखें इट वाज वन, बी की वैल्यू वन थी बेटा, माइनस डी की वैल्यू जीरो थी, ए जो आया था इट वाज पी वन प्लस पी टू आया था, इट इज डी वन डी टू आया था माइनस, ओके, और जो सी की वैल्यू आई थी वो फिर से वन आई थी, एंड दैट इज डी वन इज इक्वल टू जीरो आया था, ए बी सी डी की वैल्यू, ठीक है बेटा। सो दिस मे बी रिटर्न एज, हमारे पास क्या बन जाएगा देखो बेटा, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो हो गया, और डी वन माइनस डी टू दैट इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू इंटू डी वन डी टू, ठीक है, डिवाइडिंग बाय डी वन डी टू बोथ साइड्स। देखो ये क्या बन गया, दिस इज डी टू बन गया बेटे, ये मेरे पास डी वन बन गया, और ये मेरे पास क्या आ गया आपका पी वन प्लस पी टू आ गया, ठीक है, वन बाई डी टू माइनस वन बाई डी वन, पी वन प्लस पी टू आ गया। ओके, पी वन था मेरे पास, अगर ध्यान हो बेटा अभी रख क्या था, म्यू माइनस वन अपॉन आर वन, पी टू था माइनस म्यू माइनस वन अपॉन आर टू था, ठीक है, यहां तक की बातें हमने की बेटा। और देखो जरा डी टू वॉज द इमेज डिस्टेंस, डी टू जो था वो इमेज डिस्टेंस था, वी होता है, डी वन जो था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, यू था बेटा, तो दिस कैन बी रिटन एज वन बाई वी माइनस वन बाई यू, यहां से म्यू माइनस वन कॉमन हो गया बेटा, और क्या बच जाएगा मेरे पास वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू हो गया। एंड अगर मैं पूछूं कि भाई ये क्या होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू, क्या होता है वन बाई एफ होता है ना, लेंस फार्मूला लेंस इक्वेशन यही तो थी, तो ये क्या बन गया वन बाई एफ, एंड दैट इज इक्वल टू बेटा म्यू माइनस वन वन बाई, अच्छा अब तुम्हें लग रहा है कि कुछ याद आया, ये तो पढ़ा हुआ था, देखा हुआ लग रहा है, ये तो बिल्कुल देखा हुआ है, आप लोगों ने
ट्वेल्थ क्लास में ड्राइव क्या हुआ है, इसी फा को तो बोलते हैं हम लेंस मेकर फार्मूला। इट इज लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिन लेंस, लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिन लेंस। याद आ गया होगा ना, ट्वेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला था ये आप लोगों के लिए। और ये तो म्यू जो था, म्यू बड़ा खतरनाक था, क्योंकि म्यू जो है बेटा खाली म्यू नहीं, ये म्यू लेंस मटेरियल अपॉन म्यू सराउंडिंग्स होता है। जैसे जैसे आप सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदलोगे, यू विल फाउंड कि हमारे पास चेंज हो जाएगा म्यू, फोकल लेंथ चेंज पावर। जैसे मान लीजिए मैंने ग्लास लगा रखे हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मैं ग्लास पहने पहने वाटर में चला जाऊं, मुझे धुंधला दिखाई देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि म्यू लेंस तो उतना ही रहा आपके पास, ठीक है ना, म्यू लेंस तो मेरे पास उतना ही रहा बेटा, लेकिन जो म्यू सराउंडिंग है पहले एयर थी और अब क्या बन गया, वाटर बन गया, तो ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, खैर वापस आते हैं। हमने क्या किया बेटा, अपना सिस्टम मैट्रिक्स बनाया। सिस्टम मैट्रिक्स से बी ए सी डी जो चार सिस्टम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू पिछली स्लाइड में निकाली, और फिर हमने इमेज प्लेन की कंडीशन को उठा लिया। दैट वाज बी डी टू माइनस डी प्लस ए डी वन डी टू माइनस सी डी वन। जस्ट वैल्यू पुट की हमने पिछले पेज पे निकाला है, बी की वैल्यू 1, डी की 0, ए की पी 1 प्लस पी 2 और सी की 1 होगी बेटा। ये वैल्यूज पुट करी हमने तो क्या, ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स खत्म हो गई। यहाँ से बचा डी 1 माइनस डी 2 इज इक्वल टू पी 1 प्लस पी 2 इंटू डी 1 डी 2। ठीक है, डी 1 डी 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 बाई डी 2 माइनस 1 बाई डी 1, बच गया पी 1 प्लस पी 2। पी 1 की वैल्यू आप देख सकते हैं पीछे म्यू माइनस 1, आज की जो सबसे पहली स्लाइड है उसमें है, माइनस म्यू माइनस 1, और हमारे पास क्या हो गया बेटा, आर 2 हो गया। ठीक है, और डी टू क्या थी, इमेज डिस्टेंस, तो मैंने वी से डिनोट कर दिया। डी वन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने यू से डिनोट कर दिया। और मैंने कहा कि 1/v माइनस 1/u जो होता है दैट इज 1/f होता है, तो 1/f क्या बचा, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। एंड दैट इज कॉल्ड बेटा क्या कहलाता है हमारा, लेंस मेकर फार्मूला फॉर द थिन लेंस हो गया। और इसमें बस म्यू बड़ा खतरनाक होता है, म्यू मुझे देखना होता है कि भाई म्यू जो है वो क्या चीज है, इस तरीके से लेना है मैंने। ओके, सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हुए हम म्यू को चूज करते थे। चले आगे। नाउ अगर ये तो हमने स्पेस, हमारा जो मेन मैट्रिक्स चल रहा था उस मैट्रिक्स में मैंने क्या किया बेटा, कंडीशन लगा दी टी इज इक्वल टू 0। मैं वापस उसी पर आ रहा हूं जो इक्वेशन शुरू वाली स्लाइड में थी, दैट इज फॉर थिक लेंस। अब हम बात करेंगे थिक लेंस के लिए। देखो बेटे, जो मेन मैट्रिक्स था मेरा, मैं दोबारा, जब हमने कहां से आया था, जब हमने तीनों मैट्रिक्स को, दो रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स एक ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स, तीनों को जब मल्टीप्लाई करके जो निकाला था, तो वहां पर देखो क्या आ जाएगा, क्या था, मैं याद लाऊं, 1 माइनस इट वाज P2T/μ था पहला। ओके, ये था बेटा, इट वाज माइनस ऑफ P1 प्लस P1P2T/μ था, माइनस पी टू था, तभी तो ये टी जीरो पुट करके माइनस पी वन पी टू आ गया था मेरे पास। ओके, एंड ये था आपका टी बाई म्यू था बेटा, और ये यहां पर क्या आया था, 1 माइनस P1T/μ था हमारे पास। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, और ये बन गया λ1 y1 हो गया। इज इट क्लियर, ये चीज थी बेटा मेन। अब हमने इसमें टी को जीरो पुट करके पिछला आर्टिकल, अब इसको मैं सिस्टमेटिक से कंपेयर करूं, सिस्टमैटिक्स को लिखने का तरीका आप लोगों को बता रखा है मैंने, कैसे लिखते हैं हम सिस्टमैटिक, बी सी। अच्छा एक बड़ी अच्छी बात है, हम जो एक बार अज्यूम कर लेते हैं जो वही चलाते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शंस में बिलीव करते हैं, आर्टिकल टू आर्टिकल हमारे कुछ बदल जाए और हम बोले कि ये तो एक्सेप्शन है, ऐसा तो कभी फिजिक्स में होता ही नहीं, वी नेवर बिलीव इन एक्सेप्शंस। अब यहां से कंपेयर करें बेटा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 माइनस P2T/μ, यहां से ए, एक माइनस का फर्क रह जाएगा, चलो ए बन जाएगा बेटा, इट इज P1 प्लस P2 माइनस P1P2T/μ। ओके, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे सी को, तो सी हो गया 1 माइनस P1T/μ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आ गई है, और डी जो है बेटा यहां से करोगे तो -T/μ आ गया। ठीक है, जब टी जीरो था तो बड़े सिंपल थे, थिक थिन एलिमेंट में तो ना ये 1 था, ये P1 प्लस P2 था बेटा, ये 1 और ये 0, बड़ा आसान हो गया था, लेकिन ये तो बड़े लंबे लंबे सेवेर मिले। और अब हमने क्या करना है, इनको किसमें पुट करना है बेटा, वी हैव टू पुट
दीज इन द कंडीशन फॉर इमेज प्लेन. अगर इमेज प्लेन में पुट करें हम तो ये कंडीशन याद करो बेटा क्या थी, बी डी टू माइनस ए नहीं सॉरी डी प्लस ए डी वन डी टू माइनस सी डी वन इक्वल टू जीरो. ये मेरी कंडीशन है भाई. इसके अंदर अगर मुझे पुट करना है, अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूं बेटा, ठीक है, तो देखो जरा बी की जगह ये पुट कर दिया मैंने, क्या आ जाएगा जरा, वन माइनस पी टू टी बाई म्यू डी टू माइनस डी 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 माइनस माइनस प्लस बेटा टी बाई म्यू ए पी वन प्लस पी टू माइनस पी वन पी टू टी बाई म्यू डी वन डी टू माइनस वन माइनस पी वन टी बाई सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ. ओ दिस इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन एंड दिस कैन नॉट बी सोल्व एज सच. वेरी डिफिकल्ट है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व इट. ओके सो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि जैसे पिछली बार फॉर्मूला बन गया था हम बना सकें बेटा. कुछ ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी इसको सोल्व करने के लिए. टू सोल्व दिस इक्वेशन, टू सोल्व इट वी नीड वी यूज दो नई टर्म यूज करेंगे बेटा, यूनिट एंड नोडल प्लेन्स. हमने थिक लाइंस के लिए लिखा बेटा, और उसको जब एलिमेंट्स निकाले सिस्टम मैट्रिक्स के और इमेज प्लेन में पुट किया, तो वी फाउंड इट बिकम्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, कैन नॉट बी डायरेक्टली सोल्व. टू सोल्व इट वी नीड टू न्यू थिंग्स विच आर यूनिट एंड नोडल प्लेन्स विच आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू.